सिलसिले में बीती शाम पुलिस को मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों को पकड़ने में एक बड़ी सफलता मिली है। सिवनी पुलिस की स्पेशल स्क्वाड टीम ने 20 किलो गांजे सहित गांजे की अंतरराज्य की तस्करी करने वाले गिरोह के दो शातिर बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ा है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से सिवनी जिले में मादक पदार्थों की तस्करी की खबरें सुर्खियां बनी हुई थी। माना जा रहा है कि सिवनी में एक बड़ा अंतरराज्य तस्कर गिरोह काम कर रहा है जो मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। यही नहीं, सिवनी में करीब एक दर्जन से ज्यादा नव युवकों का इस गिरोह में शामिल होना बताया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल बाहरी प्रदेशों में माल लाकर बेचने के लिए किया जाता है। सिवनी जिले में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक ने SDOP सिवनी और थाना प्रभारी डुंडा सिवनी निरीक्षक अमित ढाणी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की है। इस विशेष टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ से मंडला होकर सिवनी लाए जा रहे मादक पदार्थ गांजे की खेप लाने वाले दो आरोपी नरेंद्र उइके सिवनी और संजय मुचाकी जिला सुकमा छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की पकड़ से इस बड़े गिरोह का सरगना अनिल अग्रवाल और दिनेश भारद्वाज अभी दूर हैं, बावजूद उन पर शिकंजा कसा जा रहा है जो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन प्रतिकार के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें ऑपरेशन प्रहार के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं विक्रय करने वाले आरोपियों के विरुद्ध विशेष रुचि लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक श्री कुमार प्रतीक द्वारा एडिशनल SP श्री कमलेश खरपुसे साहब के मार्गदर्शन में और SDOP पाठक साहब के परिवेक्षण में हमारी एक टीम गठित की गई। अलग अलग घेराबंदी करके इन दोनों आरोपियों को अलग अलग मिलने पर पकड़ा और उनके कब्जे से 10-10 किलो गांजा बरामद किया गया है। और इनसे पूछताछ करने पर जो एक आरोपी नरेंद्र उइके, ये झिरिया मोहल्ला का रहने वाला है, इसके बताए अनुसार इसने यह गांजा दल सागर तालाब के पीछे अग्रवाल ऑटो मोबाइल दुकान चलाने वाले अनिल अग्रवाल के लिए उक्त गांजा खरीद कर लाना बताया गया है, जो अनिल अग्रवाल इस गांजे को विभिन्न स्थानों पर विक्रय करते हैं, ऐसी जानकारी नरेंद्र उइके द्वारा दी गई है। इसी प्रकार पकड़े गए दूसरे आरोपी संजय मुचाकी द्वारा जो उक्त 10 किलो गांजा है, ये 10 किलो गांजा सिवनी के रहने वाले दिनेश भरद्वाज संजय वार्ड के लिए खरीद कर लाना बताया गया है। यह गांजा कि इन्होंने 40,000 रुपए अलग अलग अपने निजी संपर्कों से पहले ही इसका भुगतान कर चुके हैं और यह गांजा इन लोग लाकर सिवनी के विभिन्न क्षेत्रों में विक्रय करते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों में बिकने वाला गांजा अब हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है, तो इसकी काफी हद तक इसकी हमारी रोकथाम हुआ है।